हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सैयद अशरफ। आपको वेल्कम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट #HSE। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि HSE के जो H फॉर हेल्थ, S फॉर सेफ्टी एंड H फॉर E फॉर एनवायरनमेंट है, उसके अलग अलग डिफिनेशंस क्या हैं। अभी तक हमने जाना है हेल्थ का डिफिनेशन क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। सेफ्टी का डिफिनेशन पहले बता रहा हूँ, जो कि जनरली कॉपी बुक स्टाइल में जो हम लोग पढ़ते हैं उसका डिफिनेशन ये है कि सेफ्टी रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑपरेशंस एंड इवेंट्स विद इन एन इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स एम्प्लॉइज एंड एसेट्स बाय मिनिमाइजिंग हजार्ड्स, रिस्क, एक्सीडेंट एंड नियरनेसेस। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज ओवरसीन बाय नेशनल, स्टेट एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ये है उसकी जनरल डिफिनेशन जो कि नॉर्मली हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। कुछ और भी डिफिनेशंस हैं जो कि मैंने पढ़ी हैं, सारी डिफिनेशन पढ़ने के बाद में जो मुझे बेटर लगती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एजेंसी है ICAO, द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उन्होंने भी अपनी सेफ्टी की एक डिफिनेशन दी है। वो डिफिनेशन कुछ ऐसी है, सेफ्टी इज द स्टेट इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म टू पर्सन और ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज इज रिड्यूस्ड टू एंड मेंटेन्ड एट और बिलो एन एक्सेप्टेबल लेवल थ्रू अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। मेरे हिसाब से ये डिफिनेशन थोड़ी सी बेटर है। ये कहना चाहते हैं कि सेफ्टी जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी हमारी सोच है, उस सोच तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी डैमेज, पर्सनल सेफ्टी को इस लेवल तक रिड्यूस करते हैं जहां पे हमको लगे कि हाँ अब हम सेफ हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से हम अपने सारे ऑपरेशंस और प्रोसेस डिजाइन करते हैं, ठीक है, और उसको मेंटेन रखते हैं। मेरे हिसाब से ये डिफिनेशन थोड़ी सी बेटर है, आगे चल के हम लोग थोड़ा सा और क्लियर होंगे इसको। इसके बाद हम जानते हैं कि सेफ्टी में क्या क्या आता है, ठीक है, सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल हैं, मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ जनरल आइडिया के लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है जनरल सेफ्टी, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं और जो इंसान काम करते हैं उनको, उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है जनरल सेफ्टी में, वो सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, वो भी सेफ्टी में आती है। उसके बाद आता है प्रोसेस एंड प्रोडक्शन सेफ्टी, प्रोसेस इंडस्ट्री जो है, ठीक है, उसमें मशीन, इक्विपमेंट और सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी कंबाइंड करके एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जाता है, वो आता है इसमें प्रोसेस एंड प्रोडक्शन सेफ्टी में। उसके बाद आता है मटेरियल सेफ्टी। मटेरियल सेफ्टी से जैसे नाम से जाहिर है, आप लोग भी समझते होंगे कि जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रोडक्ट करने के लिए, उसमें उसकी सेफ्टी के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है वर्क प्लेस सेफ्टी, काम करने की जगह पे सेफ्टी जो होती है। उसके बाद आता है फायर सेफ्टी, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, उसके बाद आता है बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी, उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। तो ये सारी सेफ्टी टर्म्स आते हैं अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है और कैसे हम हाई लेवल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो जनरली मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है, एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि अगर हम चार चीज़ों को मैनेज कर लें तो हम एक बेटर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कंपनी को जहाँ पे हम काम करते हैं। सबसे पहले मैन मशीन, मटेरियल एंड मेथड्स। अब इन चारों का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैन, जब मैन का नाम लेते हैं तो यहाँ पे मैन का मतलब आदमी नहीं है, मैन मतलब वर्कफोर्स। इसमें आदमी हैं, औरत हैं, जो भी लोग काम करते हैं वर्कफोर्स में, वो सारे कवर्ड होते हैं मैन में। उसके बाद आता है मशीन्स, जो मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों को सेव कर देना। उसके बाद आता है मटेरियल्स, मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स हुआ, सारे मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है, उनको अगर हम सेव कर देंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। उसके बाद आता है मेथड्स, मेथड में आता है वर्किंग मेथड्स, हम कैसे काम करते हैं, कौन से मेथड यूज़ करते हैं, तो अगर हम अपने मेथड सेव करेंगे ऑटोमेटिकली हम लोग सेफ हो जाएंगे। तो ये है डेफिनेशन सेफ्टी की,
और एक जनरल आइडिया मैंने दिया कि कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक सेपरेट तौर पे इसको ना देखिए, हम इसको कंबाइंड करके रखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ में। जनरली जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, मिट्टी है, हवा है, लाइट है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमारे काम की वजह से कोई इनवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान हम रखते हैं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं या कोई मशीन बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके प्रोसेस से लेके और यूज तक में हमको ऐसा डिज़ाइन करना है कि इन्वायरमेंट के ऊपर इनवर्स इफेक्ट ना पड़े, वो होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये जनरली मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने चार टर्म्स आपको बताए उन चारों टर्म्स को हम कैसे अचीव करेंगे, सारे प्रोसेसेस कैसे सेव करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आते हैं, यानी टोटल ओवरऑल सेफ्टी मैनेजमेंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो डेफिनेशंस खत्म हो गई हमारी हेल्थ की, सेफ्टी की और इन्वायरमेंट की। अब हम डेफिनेशंस जानते हैं, अगले वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि इनको अचीव कैसे करना है बेटर सेफ्टी मैनेजमेंट हमारी कंपनी में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो या किसी भी कंपनी जिसमें हम काम करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो। ठीक है, आपके लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू शेयर और लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मोटिवेट होते हैं।